उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। आज सपा चीफ अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में रैली की और जनता को संबोधित करते हुए जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि राज्य में दोबारा योगी सरकार जीत कर आई तो गरीबों का राशन भी बंद करवा देगी। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ाने वाली ऐसी सरकार क्यों चाहिए। आइए सुनाते हैं सपा चीफ ने क्या कुछ कहा। नेता ठंडे पड़ गए हैं, बताओ ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनका पता नहीं लगेगा। आज समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग खड़े हैं, हर वर्ग के लोग समर्थन करना चाहते हैं, हर एक वर्ग आपके साथ आ गया है। जब से क्षेत्रीय दलों को साथ लिया है, आपके ये पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पीला रंग भी साफ दिखाई दे रहा, हमें महान दल वाले ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा रंगों का साथ पहली बार देखा होगा, सब रंग साथ आ गए हैं। ये जब सब रंग साथ आ गए, जो एक रंगी हैं उनका पता नहीं लगेगा इस बार। इधर बीजेपी के लोग, इनके बड़े नेता जरूर आए होंगे यहाँ पर, बीजेपी के नेता आगे जा चुके होंगे, अब तो कोई नहीं आ रहा होगा। उनके भाषण याद है कि नहीं याद है? अगर उनका छोटा नेता आया होगा तो छोटा झूठ बोला होगा, और जब थोड़ा बड़ा नेता आया होगा तो थोड़ा बड़ा झूठ बोला होगा, और अगर सबसे बड़ा नेता आया होगा तो सबसे बड़ा झूठ बोला होगा। बताओ ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? ये लोग कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? और हमारे किसान भाइयों के बेटे भी हैं, बताओ कहाँ आय दोगुनी हो गई? न गन्ने का भुगतान करा पाए, न धान की कीमत दिला पाए, और जब शाहजहांपुर में खाद की फैक्ट्री है तो खाद भी नहीं दिला पाए किसानों को। बताओ खाद मिल पाई क्या किसी को? और खाद अगर मिल भी गई होगी तो खाद की बोरी देखी होगी, तो उसमें से खाद की बोरी से चोरी हो गई है। हो गई चोरी कि नहीं हुई? ये भाजपाई लोग कहते थे हमारा हवाई चप्पल वाला भी चल लेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही, गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही। कहाँ चल पा रही है गरीबों की गाड़ी बताओ? और 100 से पार हो गया पेट्रोल। इनकी सरकार आ गई तो चुनाव के बाद राशन भी बंद हो जाएगा, और ये पेट्रोल डीजल भी 200 के पार पहुंचा देंगे। ये गरीबों को बताएं, ये राशन केवल मार्च तक दे रहे हैं, मार्च के बाद नहीं दे रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बताओ बजट में पैसा क्यों नहीं रखा राशन का? अगर बजट में पैसा नहीं है तो केवल वोट लेने के लिए राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आपको बता के जा रहे हैं हमें गरीबों के लिए भोजन देना पड़े, राशन देना पड़े, सरसों का तेल देना पड़ेगा, चाहे घी देना पड़े, हम लोगों की सरकार बनेगी तो गरीबों को पौष्टिक आहार के साथ साथ उनको राशन देने का इंतजाम करेंगे। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे,
पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री किसकी गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब जनता के सामने नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन, बड़ी बड़ी फोटो आ रही थी, डोर टू डोर कैंपेन। अब इनका डोर टू डोर प्रचार बंद हो गया है। आपने इधर नहीं देखा होगा कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने इन्हें सिलेंडर दिखाने का काम किया है, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिल नहीं आएगा और हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।